दिल्ली में एक बच्चे की रहस्यमय मौत की करेंगे। कोलकाता से लेकर बदलापुर तक बेटियों के साथ दरिंदगी के खिलाफ देश में आक्रोश है, लेकिन इस बीच दिल्ली में जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बच्चे की मौत के बाद राजधानी में जमकर बवाल हुआ। 5 साल का बच्चा मदरसे में 5 महीने पहले पढ़ने आया था। देश की राजधानी दिल्ली में हुई बच्चे की मौत ने कई सवाल उठा दिए हैं। मौका वारदात पर कुछ लोगों का दावा है कि बच्चे की मौत बीमारी से हुई, कुछ का दावा है कि बच्चे को मदरसे में दूसरे बच्चों ने मिलकर मारा, जबकि कुछ लोगों का आरोप है कि बच्चे की मौत के पीछे मदरसे संचालक और प्रिंसिपल का हाथ है। कि ये जो मदरसा है जिसके जो प्रिंसिपल है दीन मोहम्मद मंसूरी लिखा, इनका नाम लिखा हुआ है, और हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की बात करने की कि इनके कोई हमें बताएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। अब देखिए कि ये जो पूरा मदरसा है, कि बताया जाए कल यहाँ पे तोड़फोड़ भी काफ़ी होती थी। देखिए सामान जो तोड़फोड़ का पड़ा हुआ है, यहाँ पे शीशे पड़े हुए हैं और ये मदरसे का गेट है। हालांकि आसपास के लोगों का यही कहना है कि जो मदरसे के जो प्रिंसिपल है दीन मोहम्मद, वो उसके बाद से गायब हैं, कहाँ गए हैं नहीं उनका कुछ बारे पता नहीं है। अंदर से लॉक कर रखा है और आप पूरी देखिए कि इस घटना के बाद से किस तरीके से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हमने यहाँ के DCP से बात की, जो DCP हैं उनका यही कहना है इस पूरे मामले के अंदर कि बच्चे की डेथ कैसे हुई है, क्या हुई है तो कहना मुश्किल है, लेकिन बच्चे के शव को जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद खुलासा होगा। बच्चे की मौत दिल्ली के दयालपुर में हुई, जो पंजाबी बाग जैसे पॉश इलाके में आता है। पुलिस ने इस मदरसे को लेकर जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाली है। पुलिस ने शुरुआती जांच में खुलासा किया कि बच्चे की गर्दन, पेट और कमर के हिस्से पर छाले थे। दिल्ली पुलिस को 23 अगस्त की रात 9:52 पर ब्रिजपुरी मदरसे में लड़के की मौत की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे का शव बरामद किया। मदरसे में मासूम की मौत की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, लेकिन 5 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है और मदरसे के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग तेज होती जा रही है। मदरसे में कल रात को जो हादसा हुआ उससे पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग मौजूद हैं उसी इलाके में जहां पर मदरसा था, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 साल का जो बच्चा था इस मदरसे में बच्चा पढ़ने के लिए आया था और करीब 5 महीने पहले उसकी माँ ने इस मदरसे के अंदर जो है यहाँ उसको दाखिला दिलवाया था। कल बताया जा रहा कि कल अचानक से उनको फ़ोन आता है कि आपका बच्चा बीमार है। जब यहाँ पहुँचती है बच्चे को देखती है तो बच्चे को तुरंत जो है नज़दीक के अस्पताल में लेके जाया जाता है, ब्रिजपुरी का एक निजी अस्पताल था, और वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उस दौरान ही बच्चे की मौत हो जाती है। डॉक्टर बच्चे को मृत घोषित करते हैं। 5 साल का बच्चा था, जब बच्चे को जब यहाँ पर लेकर आया जाता तो देखा जाता कि बच्चे के शरीर पे जो है काफ़ी सारे दाने के निशान थे, फफोले के निशान थे, और वो समझ नहीं पाते आखिर उस दाने के और फफोले के निशान कहाँ से आए। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर जो है उसको पोस्टमार्टम करवाने चली जाती है। लेकिन इस घटना से आप देखिए, इस घटना से कहीं ना कहीं पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। दिल्ली पुलिस ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद मदरसे से बाहर से गुस्साए लोगों की भीड़ हटी। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चा एकदम ठीक था तो उसकी गर्दन, पेट और कमर पर दाने और फफोले कैसे हुए? जहां बच्चा पढ़ता था उस मदरसे का नाम तालीम उल कुरान है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मदरसे में 250 लड़के पढ़ते हैं, जिनमें 150 दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं, जिनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश से आते हैं। मदरसे के प्रिंसिपल हाजी दीन मोहम्मद है, जिसे पुलिस की इसके अलावा पुलिस ने मदरसे में पढ़ने वाले 3 बच्चों से भी पूछताछ की है। उधर फर 24 की टीम ने मदरसा संचालकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मदरसे का दरवाजा किसी ने भी नहीं खोला। असल में कहता कि भाई पापा मुझे मार के डाल दो, लेकिन मदरसा में पढ़ना नहीं चाहता, मुझे स्कूल में नाम दिखा दो, तो अब मैं कैसे दीनी तालीम बच्चे को दूँ? मेरा तो खुद दिल में दहशत है, कल को किसी और का बच्चा मरा, कल को मेरा ही बच्चा मर सकता किसी मदरसे में। क्या लग रहा कि बच्चे को टॉर्चर किया गया होगा? क्या लगता है आपको, बच्चा आपका इतना डर गया है? बच्चे को टॉर्चर किया या नहीं किया वो तो पोस्टमार्टम ही बतावेगा सर। बच्चे को क्या क्या गया, मारा गया क्या गया, वो तो पोस्टमार्टम बतावेगा, उसका रिपोर्ट बतावेगा क्या हुआ उसके साथ नहीं हुआ। बाकी डर का माहौल है यहाँ पे? जी डर का माहौल है, बच्चे डर रहे हैं मदरसे जाने के लिए।
क्या करे, ऐसा घटना हो रहा है, क्या करे बताओ। बच्चे तो डर ही रहे हैं मदरसे जाने के लिए, इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं तो जी यही चाहता हूँ, बच्चे के साथ जो भी हुआ गलत हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कड़ी सी कड़ी उन्हें सजा मिलना चाहिए जिसने भी ये हरकत करी है, कोई भी हो इसमें, बहरहाल बच्चा हो कोई भी हो, लेकिन बच्चे के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। और हुआ क्या बच्चे के साथ, क्या क्या हुआ? अभी जो सुनने में आया है, बच्चे को पेंसिल से मारा गया, घोट घोट के मारा गया, उसके गले में भी आर पार जो बताया है गले में भी है, उसकी पेशाब की जगह भी बच्चे की उसकी बेहाल कर दी है, और उसके बहुत निशान है बच्चे, मेरे पास वीडियो भी है उस बच्चे की, लेकिन बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। मैं यही चाहता हूँ उसके कड़ी कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिले, कातिलों को और उन्हें मुजरिम को सजा मिले। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब इस मदरसे पर उंगलियां उठी हो। यहाँ काम करने वालों से लेकर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जाता। भारत 24 के कैमरे पर बच्चे के परिजनों ने जो खुलासे किए वो हैरान करने वाले हैं। 7 महीने से पढ़ रहा था, 7 महीने बाद से पहले ये बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं सोची बच्चा पढ़ने की वजह से मना कर रहा, ये रोता था कहता था अम्मी मैं नहीं जाऊंगा, बहुत मारती पीटती, मैं सोचती थी पढ़ने की वजह से मना करता तो मैं इसे भेज जाती, और ये मिलाई भी कराते थे तो इसमें ऑफिस में बुलवा के मिलाई कराते अपने सामने, तो बच्चे कुछ कहता ही नहीं था। तो आपके बच्चे कहाँ मारा, कितनी चोट लगी आप बच्चे को? और क्या क्या करा था, लेटिंग की जगह पे मारा था, लेटिंग की जगह की अल्ट्रासाउंड इसको लेटिंग की जगह पे डंडा मारा। अच्छा इसमें तो रिपोर्ट में आप तो ये तो आपने कभी शिकायत नहीं की इसकी जब बच्चे ने बताया? बाथरूम नहीं किया, झाड़ू पोछा करती थी मैं, फिर भी मेरे बच्चे को मिलने नहीं दिए मुझसे। आप यही काम करती? हाँ नहीं कि घर पर झाड़ू पोछा का काम करती थी मैं, और मुझे मिलने नहीं दिया मेरे बच्चे से। जब बच्चा बिल्कुल बेहाल हो गया, जब मुझे रात को नींद ना आई, जब मुझे लगा कि मेरा बच्चा कर रहा, जब मैं सुबह से चाय नहीं बनाई आई, तो इतने में खबर आई मदरसा से, कोई बच्चा ने खबर भेजाई ऑफिस में कि सुल्तान का नाम का बेहोश हो गया, तभी कहने लगे कि तबीयत खराब है तुम अपने लौंडे को ले जाओ। मासूम मुन्ना का शव मदरसे के बाथरूम से बरामद हुआ था। 5 साल के बच्चे का शरीर नीला पड़ गया। जीटीबी अस्पताल जब उसे लेकर पुलिस पहुंची तो डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। उधर इस वारदात के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बाबू हॉस्पिटल में, मेरे बाबू को हॉस्पिटल नहीं लेके गया था, घर में एक कमरा में बंद कर रखा था, पुराना चद्दर वाला। मेरे बाबू को बहुत बेरहम से मारा आबिद मलिक, 3 बच्चों के साथ मिल के मारा है आबिद मलिक, बचा गया था, मेरे 3 बच्चों के साथ मिल के मारा है, तीनों बच्चा थाना में गया, पुलिस लोग उन लोग को छोड़ दिया। पता नहीं मई में एडमिशन कराए थे, उसके आधा महीने बाद हम छोड़ने गए थे बाबू को, मेरा मार दिया, हम ना जानते थे। आप किसने बताया कि बच्चा बीमार है या कैसे, किसने कॉल किया था? घबराहट हो रहा था, शुक्रवार के दिन बात कराता है, मैं बा फोन की, मेरे को बात नहीं करा रहा, बोला तुम्हारा बच्चा ठीक है बाजी, आप बेफिक्र रहो, हम बोला मेरे को मन घबरा रहा, आप 2-3 महीने से बात नहीं करा रहे, क्यों नहीं करा रहे, क्या बात हो गया, कोई बात है तो हमें बताइए, मैं बाबू को तबीयत खराब है तो बताइए, नहीं बताया, बोला तुम्हारा बाबू ठीक है, जब हम आराम कर रहे हैं, वो आराम कर नहीं कर रहा था, मेरे बाबू को मार रहा था, मेरे बाबू को बहुत बेरा। भारत 24 ने जब मदरसे का सच जानने की कोशिश की तो अलग अलग राय मिली, लेकिन इस बीच भारत 24 के कैमरे पर मदरसे से पढ़कर निकले बच्चे ने खुलासा किया, वो होश उड़ाने वाला था। बच्चे ने कैमरे पर कहा कि मदरसे में मासूम बच्चों के साथ मारपीट होती है और इसीलिए उसका नाम भी काटा गया था। एक और बच्चा हमारे सामने मौजूद है, इसकी माँ भी मौजूद है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर मदरसे में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे उन बच्चों को यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, जैसे कि बच्चा है इसको भी टॉर्चर किया गया है, इससे बात करेंगे। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सुल्तान। किसने मारा तुमको? अच्छा, तो यहाँ पिटाई करते हैं यहाँ पे, कौन मारता? जो तुम्हें पढ़ाती हूँ उनका बोलो। कार्यशाली। कौन मारते हैं? कार्यशाली मारता हमारे वाले कल। तुम थे यहाँ पे? नहीं, तुम्हें कहाँ मारा तुमको, जो कहाँ चोट लगी है? माथा और पीठ पे मारा। किस चीज से मारा? डंडे से मारा। किससे? डंडे से। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उधर बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मासूम के लिवर, लंग्स और एब्डोमेन में चोट आई है।
पुलिस के लिए ये केस किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन पुलिस को पहला सुराग सीसीटीवी से मिला। इस बीच भारत 24 की टीम से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बात करने के लिए पहुंचे। बच्चे ने मासूम की मौत का पूरा राज खोल दिया। बच्चे ने बताया कि मुन्ना की हत्या स्कूल के ही 3 बच्चों ने मिलकर की है। छात्र ने कहा कि मुन्ना को इसीलिए मारा गया ताकि मदरसे में छुट्टी हो जाए। बच्चे के साथ उस बच्चे को 3 बच्चों ने मारा था। कौन थे 3 बच्चे? वो 3 बच्चे, एक बच्चा हमारी क्लास का था, 2 बच्चे दूसरी क्लास के थे। क्यों मारा उसको? घर जाने के चक्कर में। जो बच्चा घर जाने की जिद कर रहा था? जी। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि क्या हम चले आएंगे घर पे उस बच्चे को मार के। उन्होंने प्लानिंग ये बनाई थी, हम चले आएंगे घर पे उस बच्चे को मार के। क्यों मारेंगे? कोई दुश्मनी थी या वैसी? वो सोच रहे थे कि हम इसे मार देंगे, हाजी जी हमें घर भेज देंगे। तो उसको लेके गए बच्चे, क्या किस चीज से मारा उसे? क्या बच्चा चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं? उसका मुंह दबा लिया था और एक ने हाथ पकड़ लिया था। 3 बच्चे थे वो। तीनों कितनी उम्र के थे बच्चे? 8-9 साल के थे बच्चे। तो उनको क्या प्रिंसिपल ने कुछ कहा नहीं बच्चों को? जी क्या क्या? मारा था उन्हें बच्चों को और पूछताछ करी थी। एक बच्चे ने डर के मारे बता दिया था। 3 बच्चों ने मारा था, एक बच्चे जो हमारी क्लास का था उसने डर के मारे बता दिया था घर सबको। यानी वो चाहते थे कि मदरसे की छुट्टी हो जाए, वो घर चले जाए, इसलिए उन्होंने बच्चों को मारा। जी। भारत 24 के कैमरे पर जो बात मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ने कही, उसकी पुष्टि जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने भी कर दी है। पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बातों के साथ 5 साल के बच्चे की मौत का राज भी खुल गया है। पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने इस मामले में अब आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।